भैया के फोन पे एक वीडियो सेंड होता है, वो कहता है कि तेरे चाचा को मैंने आज फंसा दिया गया है, आप देख लीजिए। अच्छा साजिश के तहत हुआ है ये, हाँ। जो भी हुआ है हो। फिर यहाँ से उन्होंने ये बैग यहाँ पे उठा के यहाँ ऐसा रखे यहाँ पर। अच्छा। इस टाइप से। अच्छा। अरे हमें इसी बैग की तलाश थी। हाँ। ये केवल सर फंसवाने वाले काम है। शहर के कचहरी में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो जलेबी की दुकान है और यहाँ कचौड़ी वगैरह जो बन रही है, ये यहाँ पर चर्बी मिली है इनकी दुकान के अंदर। यहाँ पर कई सारी टीमें मौजूद हैं, जांच पड़ताल कर रही हैं कि आखिर किस चीज़ की चर्बी है। छानबीन चल रही है, पुलिस मौके पर मौजूद है। फूड इंस्पेक्टर साहब कहाँ हैं आप? हैं क्या कुछ निकल के सामने आ रहा है सर? करवा रहे हैं जांच के बाद। ये बताया जा रहा है कि चर्बी है ये? ऐसा तो कुछ इस पे अभी नहीं, तत्काल कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ। तत्काल में इसके पैकेट पे लिखा है अनुपूरक आहार, अनुपूरक पुष्टाहार। जी पैकेट पे जो लिखा है अनुपूरक पुष्टाहार। तो आपको जिस तरह यहाँ आप जांच करने के लिए पहुँचे हैं, आपको क्या ऐसी सूचना मिली तो आप यहाँ पर आए पूरी टीम के साथ में? संसूचना मिली थी। क्या सूचना मिली थी? हमारे अधिकारी द्वारा सूचित किया गया कि यहाँ पे सामान रखा गया किस है। किस चीज़ का सर? सर वही तो अनुपूरक पुष्टाहार, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। पुष्टाहार की सूचना पर तो सर नहीं आएंगे आप। किस सूचना आपको बताई गई या कुछ बताया गया? ऐसा कुछ नहीं बताया गया था मुझे। तो मतलब ये कौन सी बात हुई? आप बताने से कतरा रहे हैं, साफ साफ बताइए कि आपको बताएगा, आप इसकी जाँच करेंगे आप? नहीं, हमको कुछ नहीं बताया गया, हम आर्टिकल अभी तो देख रहे हैं और जांच के बाद पूरी बात बता पाएंगे। पुलिस टीम मौके पर मौजूद है और आप देख सकते हैं कि जो जिस तरह से इसमें जो पॉलीथीन है, दिखा दीजिए थोड़ा, इधर दिखाइए अपने कैमरे को, इसमें कैमरे में इसे कैद कीजिए। इसके अंदर जो ये चर्बी नुमा ये रखा हुआ है। दुकान मालिक कौन है भैया? दुकान मालिक को आप हो? क्या नाम आपका? सर मेरा नाम टीकम सिंह है। टीकम सिंह, क्या चीज़ है ये? सर ये हमारी चीज़ नहीं है, नहीं हमें पता भी नहीं है। अच्छा। ये तो अखिल ठाकुर है, अखिल ठाकुर सन ऑफ जसवंत, उसका भाई अमित ठाकुर जो उसमें उसमें नौकरी करता है, एक उसका नौकर है, ये उसकी साजी रेवी सेंस में उसमें मास्टर है वो। उसने और उसकी घरवाली, वो भी मीडिया में रह चुकी है, आज उसमें डेट भी थी सिटी मजिस्ट्रेट साहब के सामने, तो अब तारीख करके आया था मैं। नहीं, वो सब नाम जो इतने सारे बता रहे हैं आप, वो क्यों बता रही है, उनसे क्या रिलेशन है? हमारा उनसे झगड़ा चल रहा है। हाँ। पॉस्को का मुकदमा चल रहा है उससे। हाँ। अखिल ठाकुर से। आज दुकान में आए थे क्या आपकी दुकान में? उसके दो कैंडिडेट आए थे, उन्होंने मुझसे ये पूछा था। हाँ। कि आपका कोई अखिल से झगड़ा चल रहा है? हाँ। मैंने कि झगड़ा हमारा चल रहा है और 25 तारीख थी, इसमें गवाही हो चुकी है इसमें। अच्छा। पैसे की 5 लाख की डिमांड कर रहा है वो फैसले में। चर्बी से क्या ताल्लुक है सर, वो बताइए, आपका झगड़ा है वो समझ आ रहा है, चर्बी से उसका क्या ताल्लुक? चर्बी से सर हमारा कोई मतलब नहीं। भैया बताइए क्या कहना सर? ये सब साजिश के तहत हुआ है ये। हाँ। जो भी हुआ है, होली से 3-4 दिन पहले इनके परिवार वालों का झगड़ा हुआ। साजिश में क्या हो गया? साजिश में क्या है कि वो उनसे झगड़ा चल रहा था, आज की तारीख थी, उन्होंने अपने 2 लड़के भेज करके यहाँ पे ये सिस्टम रखवा दिया गया। यानी 2 लड़के आते हैं और यहाँ ये पॉलीथीन रख के चले जाते हैं, मगर इन्हें पता नहीं चलता। और स्पष्ट पता चलता है कि अगर जो मिलाएगा वो यहाँ क्यों रखेगा खुलेआम, अपने घर से मिला के लाएगा। और फिर सर हम तो आपसे निवेदन कर रहे हैं कि इसका भी इस चीज़ की चर्बी बताई जा रही है। चर्बी का तो कोई विषय नहीं है, पता ही ना, मैं तो देखा ये क्या है। फिर आप बताइए क्या है? सर मुझे तो ऐसा लग रहा है ये खोवा हो, घर का पका हुआ खोवा लग रहा है। जी जी ऐसा ही लग, ऐसा देखने में तो ऐसा ही लगता है कि जैसे मावा हो। और आपसे और खोवा की जांच करने के लिए जलेबी की दुकान में यहाँ पर टीम पहुँची हुई है। इनका कहना है कि ये खोवा है, मगर और भी काफ़ी सारे लोग हैं। आपको क्या लगा इसके अंदर क्या है? सर हमें नहीं पता, हमारा तो खाली उससे झगड़ा चल रहा है और कुछ नहीं। आज उनमें 151 में डेट भी थी हमारी पॉस्को में, 25 तारीख में डेट भी हो चुकी है उसकी, एक गवाही हो चुकी है उसमें, तो उसने रखवा दिया। हाँ, उसी का ही काम जो है आपके दुश्मनों ने रखवा। और मदे अभी इन्हीं के फोन पर जिस लोगों से हमारा झगड़ा चल रहा है, जिस अखिल से, अखिल राणा से झगड़ा चल रहा है, भैया के फोन पे एक वीडियो सेंड होता है, वो कहता है कि तेरे चाचा को मैंने आज फंसा दिया गया है, आप देख लीजिए। अच्छा। आपसे कहा? आप भी जानते हो अखिल को, मैं आप अच्छी तरह जानता हूँ, ठीक है ना, आप भी जानते हो अखिल को। और ये देखिएगा सर, आप मुझसे कैसे करो भैया? मैं जानता हूँ। हाँ, मैं पूरे शहर को जानता हूँ। सर एक मिनट, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। सर देखिए, सर ये देखो, ये अखिल नाम का लड़का है, वीडियो में आ रहा है, ठीक है, ये अखिल है, ठीक है। अच्छा, अभी इसने मुझे वीडियो 4 वीडियो सेंड करी है, और जबकि जब इसके दिमाग में गलत चल रहा था उसने वीडियो डिलीट कर दी। देखो सर, 1, 2, 3, 4, 5 इसने अभी वीडियो डिलीट करी है, टाइम भी देख सकते हो आप। अच्छा, अब मेरे पास वीडियो सेव भी है, आपको दिखाता हूँ मैं। कोई चैट है? जी जी हाँ बिल्कुल है। हाँ ये देखो सर, ये देखो, ये सर
जबकि मेरी शॉप अंबर हॉल पे है, मेरा कोई लेन देन नहीं है चीज से, ये है। और मेरा वो दोस्त है अखिल, और उसने बोला था मुझसे चीज को लेके कि मैं तेरे चाचा को फंसा दूंगा एक दिन। अच्छा, और वो दिन आ गया। आपके पास वीडियो भेजी है? जी, अखिल ने भेजी है, ये आप देख लीजिएगा, कैमरा जूम करो सर, ये देखिए, ये उसने मुझे शेयर करने के बाद डिलीट कर दिए। कुछ डिलीट तो हुआ है दूसरी ओर से। आप करी चलाइए वीडियो जन्म। चलिए, हो सकता है कि साजिश के तहत, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे कि ये दुकानदार जो है वो दुकानदार का ही माल हो सकता है, क्योंकि जो सबूत ये दिखा रहे हैं ये कुछ अलग ही मैटर जा रहा है, अलग ही कुछ मैसेज जा रहा है। हो सकता है, हो सकता है, मगर फिर भी जांच का विषय है। इस पे मुकदमा भी चल रहा है वो। ये जब उनका हमसे पैसे की डिमांड कर रहा था वो। अच्छा, उसकी घरवाली ने हमसे ये बोला था कि हमें नहीं तो तुम्हें किसी मुकदमे में फंसा दूंगी मैं, जो गवाह है मैं उसे भी लेकर आऊंगा सामने। जाँच टीम देख सकते हैं आपकी किस तरह से एक एक चीज की जो है बारीकी के साथ में जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है। और फिलहाल तो ये जांच का विषय है कि वाकई क्या इनकी दुकान के अंदर कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए आपने? नहीं सर, आप पांच छोटी सी खाने पीने की दुकान है सर, आप खुद बताइए, कैमरा इतना बजट है नहीं लगाना चाहिए फिर सर। अब अकल आ गई है, अब लगाएंगे रोटी कम खा लो, आज की डेट में सीसीटीवी कैमरा बेहद जरूरी है। अब अकल आ गई है सर, अब नेक्स्ट टाइम आप जरूर लगाएंगे कैमरा। छोटी सी दुकान है सर, आप भी देखते हो, छोड़ा चाय समोसे बेचने के बाद जो घर का गुजारा चलाते हैं, कोई इतनी मोटी इनकम तो है नहीं, कैमरे एक और 10,000 रुपये होती है, समझ रहे सर। तो अब नेक्स्ट टाइम अब अकल आ गई है। कहाँ रखे हुए थे उस टाइम पे जब ये पैकेट जो थे, ये कहाँ रखे थे? कहाँ से निकाले थे बताइए, निकाले थे बताओ भैया। रखने के बाद उन्हीं लोगों ने निकाले थे, उन्हीं लोगों ने आके निकाले। कहाँ से रखने के बाद कहाँ से निकाले थे? हाईकोर्ट वालों को किताब दिया था जी। मैं आ रहा हूँ, मैं दूसरी साइड आ रहा हूँ। जब वो आए थे यहाँ पर शिवसेना वाले, तो ये बोले बैग किसके? अच्छा, हमने कह दी कि ये हाईकोर्ट से वकील लोग आते हैं, वो खाना वाना खाते हैं वो यहाँ पर। अच्छा, ये फिर मैंने पूछा कि आप किस लिए, आप कहाँ से? जब शिवसेना से, हमारा एक बैग खो गया है, हमने चेक कर लो फिर। फिर यहाँ से उन्होंने ये बैग यहाँ पर उठा के यहाँ ऐसे रख दिया यहाँ पर। अच्छा, इस टाइप से। अरे, हमें इसी बैग की तलाश थी। ये केवल सर फंसवाने वाले काम है और कुछ नहीं, और बाकी सब चीज की तलाशी हो गई। अच्छा, आप एक बार बताइए, जब वो खाना आपके फ्रिज में लगी तलाशी होगी सब? नहीं, कुछ नहीं करी। दिखाइए थोड़ा सा, हम देख लें। दिखाइए, समोसे वगैरह हैं सब इसमें, और ये ब्रेड वगैरह। ये क्या चीज है ये? हाँ, ये मलाई। अच्छा, ये मटर है, ये मटर है, ये ब्रेड है। अच्छा अच्छा, और देखिए। हाँ, कोई बात नहीं, चलिए आराम से देख लीजिए भाई। देखिए, अगर सामान थोड़ा मिलता है तो सामान ज्यादा भी होता है, और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खेप जो है वो दुकान के अंदर जरूर रखी होती है। अगर देखा जाए तो दुकान में और तो कहीं शायद, दिखाइए थोड़ा सा और, दिखा दीजिए। हमने कोई चोरी नहीं करी, हमने डर की बात का। आराम से, आराम से, सामान बिगड़े नहीं आपका? नहीं, इसके अंदर तो कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ज्यादातर ऐसी जो चीजें हैं वो फ्रिज के अंदर ही छिपाई जाती हैं ताकि एक चीज खराब ना हो। मगर फिर भी ये जो दिखाई दे रहा है, ये मैं काम कर 35 साल हो गए, आज तक हमारे पास कुछ नहीं मिला ऐसा आइटम, हम प्योर माल लगाते हैं बिल्कुल। इसको बताया जा रहा है कि ये चर्बी है, ये हमें पता नहीं क्या है, ये हमारे साथ केवल एक प्लानिंग है और कुछ नहीं है। अच्छा, उन्होंने यहीं से बैग क्यों निकाला ये बताइए? अच्छा, बैग कहाँ से निकाला था? यहाँ से। और मैंने आधे घंटे कहाँ रखा हुआ? मैंने वो गाड़ी पर रखकर तुरंत चले गए थे। हमें अंदर क्या पता, अंदर हमारे पास कस्टमर आते, ये लाओ खाना लाओ फलाना लाओ, हम तो वही लाके बाहर खड़े जाते हैं। ठीक, मैं आधे घंटे पहले मैंने दो चाय के पत्ते के पैकेट निकाले थे मैंने। अच्छा, सामान जो बनाने का काम करते हैं भैया वो यही बनाते हैं सब सामान? घर भी बनता है? यही बनाते हैं, यही बनता है सर। अच्छा, हम सवेरे 5 बजे आते हैं, यानी सुबह को 5 बजे यहाँ आप लोग आ जाते हैं, सब कुछ यहीं बनाया जाता है, तो घर पर रखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर कोई भी सामान है तो यहीं रखा जाएगा, सब यहीं रखा हुआ है जी। अच्छा, बाकी सबकी तलाशी हो गई आपकी? उन्होंने कुछ नहीं छेड़ा, मैं आपको बताऊं, सीधा बैग उठाया शिवसेना वालों ने। शिवसेना से कौन आए थे? एक राणा है, सर्विस राणा, एक लेडीज का नाम तो मैं सर्विस राणा को जानता हूँ केवल। अच्छा, सर्विस राणा आए थे क्या? जी। अच्छा, एक होते जो आता है, वो जिस लड़के ने वो बैग निकाला था, हाँ, वो हाँ, वो मतलब हर शनिवार को जलेबी लेने आता वो हमारे पास से। हमने उसे, वो हमसे पूछ रहा था तुम्हारा कोई झगड़ा चल रहा है उससे, तो नो मैं फैसला करा दूंगा तुम्हारा। वो हमसे 4 लाख की डिमांड कर रहा था, वो अखिल नाम का जो है। चलिए खैर, ये तो आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर
लगते रहते हैं कि किसी ने क्या मांगा, किसी ने क्या मांगा, मगर फिलहाल ये केवल प्लानिंग है सर। तो इनकी दुकान के अंदर ये चर्बी नुमा जो रखा हुआ है यहाँ पर, क्या आइटम है ये तो पता नहीं, ये लोग कह रहे हैं कि ये खोवा वगैरह है, मगर ये चर्बी बता के यहाँ से निकाला। शिव सैनिक यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने आकर अचानक जो है दुकान में तलाशी लेनी शुरू कर दी और तलाशी के दौरान यहाँ से बैग निकाला और उस बैग के अंदर दो पैकेट थे और वो ये पैकेट है, ये बैग है, ये बैग है ना, ये वो बैग है जिस बैग के अंदर दोनों पैकेट जो है वो रखे हुए थे और दोनों पैकेटों को बाहर निकाल कर यहाँ रख दिया गया है। फूड विभाग की टीम मौके पर मौजूद है, पुलिस विभाग की टीम जो है यहाँ मौके पर मौजूद है और फिलहाल छानबीन और पूछताछ जारी है। आखिर जिन्हें इन्हें फंसाना था वो लोग बैग में ही सामान क्यों लेकर आए, बैग को ही क्यों इस्तेमाल किया उन लोगों ने? ऐसा यहाँ पर हाईकोर्ट के वकील लोग आते हैं, हाँ, तो बैग यहाँ रखते हैं, अच्छा, उसमें खाना खाते हैं, हाँ, खाना खाकर कुछ लोग अपने बैग ले जाते हैं और कुछ लोग वजन की वजह से, अच्छा, ये जो बैग रखे हुए हैं जी ये हाईकोर्ट वालों की है, अच्छा, तो ये बैगों में इस बैग को वो बंदे फंस के चले गए, अच्छा, ये फंसाने वाले बाकी बैग भी यहीं रखे थे? नहीं, ये बैग यहाँ था, ये बैग यहाँ से निकला है। ऐसे कितने लोग दुकान पर रहते हैं आपकी? हम लगभग हैं 8-10 जने हैं। 8-10 लोगों को पता ही नहीं चला बैग रखे थे, बाहर रहते हैं ना। भैया उस टाइम वकील 7-8 वकील थे हाईकोर्ट के, उस टाइम वो आए थे दोनों, तो क्या वकील के रूप में आए थे क्या? नहीं नहीं, वो ऐसे ही आए थे, सादा वो वकील साहब से बात कर, खाया पिया उन लोगों ने? नहीं, वो उन्होंने कल मतलब शुक्रवार में सिगरेट पी थी, वो कल सिगरेट पी रहे थे और चारा था दुकान के देख रहे थे वो। अच्छा, कल भी आए थे? जी हाँ, वो कल भी आए थे। ये देखिए, मैं दिखा सकता हूँ आपको, ये नमूने जो है लिए जा रहे हैं बोतल में, नमूने जो हैं वो लेकर जो फूड विभाग की टीम है, कौन सा विभाग है सर आपका? खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग जी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग। तो ये देख सकते हैं आपकी नमूने जो हैं जिस तरह से लिए जा रहे हैं, इसकी जांच होने के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि ये नमूने किस चीज़ के हैं, ये खाने की कोई ऐसी चीज़ है या फिर जो है कोई और आइटम है। फिलहाल नमूने लिए जा रहे हैं, मगर जो दुकानदार है उसने आरोप लगाया है कि उनके जो दुश्मन हैं उन्होंने इन्हें फंसाने की कोशिश की है और साजिश के तहत इनकी दुकान के अंदर बैग रख दिया गया जिसके अंदर ये पॉलीथीन निकली है और चर्बी नुमा जो वस्तु है, जो आइटम है, वो यहाँ पर रखा हुआ है। इन्हें फंसाने की साजिश ये लोग बता रहे हैं। फिलहाल नमूने ले लिए गए हैं और नमूने जाँच होने के बाद में जब आएंगे तो स्पष्ट हो पाएगा कि ये वाकई इन्हें फंसाने की साजिश थी या फिर ये लोग ही चर्बी मिलाकर यहाँ पर जलेबी बनाने का और जो यहाँ पर आइटम बना रहे हैं उसे बनाने का कार्य कर रहे थे। सहयोगी भोजतोदी के साथ जहीर खान, खबर तहकीकात बुलंदशहर। सर्वेश जी, आज एक दुकान पर जो है चर्बी मिली थी, कि आप लोग क्या करने पहुँचे थे वहाँ? साहब, मेरे पास कई दिनों से सूचना आ रही थी, एक नंबर आ रहा था, उसमें सूचना आ रही थी कि वो जो जलेबी वाला है वो चर्बी इस्तेमाल करता है खाने पीने की चीज़ों में। उसी की सूचना पर हम लोग वहाँ पर पहुँचे, हमने काफ़ी वहाँ पर ढूंढा मगर वो हमें अकस्मात नहीं मिली। मगर हमने एक बैग नीचे रखा हुआ देखा तो उस बैग में पॉलीथीन में, जो आंगनवाड़ी का पॉलीथीन होता है, उस पॉलीथीन में थी अंदर। वहाँ पे LIU वाले भी थे और थाना प्रभारी भी थे, काफ़ी लोग मौजूद थे जो शासन और प्रशासन के लोग हैं, उनकी मौजूदगी में वो चीज़ देखी गई। उसके बाद वहाँ पर ASP महोदय साहब पहुँचे, उन्होंने हमसे कह दिया बाकी काम हमारा है, हम देख लेंगे, आप यहाँ से चले जाओ। हम वहाँ से चुपचानी से हम चले आए और इस स्थिति में जैसे सूचना मिली हम मौके पर पहुँच गए। दुकान मालिक तो ये कह रहा है कि अभी किसी ने साजिश के तहत जो है वो सामान उसमें, अब ये हमें इससे मतलब नहीं है कि दुकान वाला क्या कह रहा है, मगर जो सूचना हमें मिली थी, जिस नंबर से सूचना मिली, वो नंबर हमने प्रशासन को उपलब्ध करवा दिया गया है, बाकी हो। तो ये आपने जब वहाँ गए थे आप लोग दुकान पर, तो उससे पहले आपने पुलिस को सूचना दी थी? हमने LIU को सूचना दी थी, शहर कोतवाल को सूचना दी थी, क्योंकि हम पहले से भी LIU को सूचना देते हैं, कोई कार्यक्रम करते हैं या कहीं जाते हैं यही सूचना देते हैं और उसी आधार पर हमने सूचना दी, उसी आधार पर हम वहाँ पहुँचे और LIU वाले भी थे, शहर कोतवाल भी थे, पुलिस भी मौजूद थी वहाँ, इसी आधार पर हमने वहाँ। धन्यवाद।